रुड़की के ओबीसी समाज ने नगर निगम मेयर गौरव गोयल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। समाजजनों ने मेयर पर नगर निगम की बैठक में पार्षद चंद्रप्रकाश बांटा के साथ अभद्रता और भेदभाव करने के आरोप लगाए। ओबीसी समाज के प्रतिनिधि संजीव वर्मा ने बताया कि बोर्ड बैठक के दौरान मेयर पार्षद की कुर्सी पर बैठे और फिर उसी पर रखे तौलियों को फेंक दिया। संजीव वर्मा ने मेयर को पार्षद से माफी मांगने की बात कही। यह जो नगर पालिका में भ्रष्टाचारी हो रही है और जो पार्षद है उनका जो मेयर सम्मान नहीं कर रहा है, इसकी इस वजह से हुई। और उसमें भी विशेषकर जो सबसे सीनियर और वहाँ के जो अब पिछले चार योजनाओं से पार्षद है बाटा जी, उनकी वजह से हुई और जो मेरे समाज के भी है, मेरी जाति के भी हैं। और फिर अगर जो मैं अपने समाज के लिए कुछ नहीं कर सकता तो मेरा जीना बेकार है। जो बोर्ड अधिवेशन के अंदर जो भी घटना घटी है उसी उन्हीं सब मुद्दों को लेकर के किया गया, क्योंकि हमेशा जो विकास की गति नगर की थमी हुई है, विकास की गति को हम गति प्रदान करने के लिए जब 96 घंटे पहले जो है सभी पार्षदों के पास जो है एजेंडा आ जाता है, उस एजेंडे को भेजना और बोर्ड की मीटिंग करने का जो अधिकार है वो मेयर को होता है, और मेयर अपने द्वारा 96 घंटे हमें भेजने के बाद और उसके बाद जो है देर से आता है, 1/4 घंटा देर से आने की वजह से ही हुआ। बीच बीच में इन्होंने इतिहास बना रखा है, पूरा नगर जानता है। जब जब बोर्ड की मीटिंग होती है ये उठ करके भाग जाते हैं, या मोबाइल टिक 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 करना है, पेंसिल।